हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घर में हम डिश वॉश बहुत ही कम कीमत पे कैसे बना सकते हैं, जिसे हम पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं और बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम कीमत पे बनता है। उसे बनाने के लिए जो चाहिए, मैंने यहाँ पे जो सारे इंग्रीडियंट्स लिए हैं वो 100 रुपये में हम 5 लीटर बना सकते हैं। अगर आपको उसे और थिकनेस देना है तो आप उसे कम और करके, मतलब या 3 लीटर में या 4 लीटर में बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 लीटर का पानी लिया है, जिसमें कि सबसे पहले जो यूज़ करना है, इसे यूरियो बोलते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा ये क्रिस्टल की तरह है। मैं आपको पास करके दिखाती हूँ, ये थोड़ा क्रिस्टल की तरह आपको दिख रहा होगा, जिससे कि मैंने ऑलरेडी 5 लीटर के पानी में यहाँ पे मिला कर रख दिया है। इसे भिगो कर रखना पड़ता है 2 घंटे पहले, तो इसे मैंने ऑलरेडी इसमें भिगो कर रख दिया है। अब इसमें यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये एसिड स्लरी है, इसे एसिड स्लरी बोलते हैं। इसे हमें घर में बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें इसे क्या करना है कि हम मार्केट में ये ऑलरेडी रेडीमेड सब कुछ मिलता है, हमें सिर्फ जस्ट इसे घर में लेकर आके मिक्स करना है। इस एसिड स्लरी को क्या करना है, अब हम इसके अंदर जो हमने 3 लीटर पानी के अंदर यूरिया भिगो कर रखा हुआ है उसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। हमें ये स्टेप बाय स्टेप करना है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो ये, अगर हम एक भी स्टेप उल्टा पुल्टा करने से हमारा क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा, जो सारा मिक्सचर है वो पूरा अलग अलग हो जाएगा। या जैसे आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो ये फट जाता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो हमारा है इसे मिलाना, इसे अच्छे से आपको मिलाना है, जिससे कि चीज़ें अलग अलग ना हों। अब जो है, अब हमारा जो दूसरा, जो तीसरी चीज़ डालेंगे, ये हमारा कास्टिंग सोडा है, जिसे आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल। अभी जो हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है, ये इसे कास्टिंग सोडा कहते हैं। इस कास्टिंग सोडा के इसके बाद इसे मिक्स करना है। ये सारी चीज़ें मार्केट में आपको रेडीमेड मिलती हैं, इसको हमें घर में कुछ भी इसे करने की ज़रूरत नहीं है, घर में हमें कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इस पानी को देखेंगे तो ये थोड़ा थिक होने लगा है इसके अंदर, जैसे ही हम इसे डालेंगे तो ये थिकनेस इसकी आ जाती है। बस इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है उसे हमें अच्छे तरीके से मिलाना है, अगर नहीं मिलाएंगे तो सारी चीज़ें आपको अलग अलग नज़र आएंगी। इसके बाद हमें इसके अंदर कलर डाल देना है, ये बहुत सारे डिफरेंट कलर में आपको मार्केट में मिलता है, जैसे ब्लू कलर का भी मिलेगा, ग्रीन कलर का भी मिलेगा और रेड कलर, वाइट कलर का भी मिलता है। अभी ये जो मैंने डाला है वो ग्रीन कलर है, और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, ये एसेंस है, ये एसेंस भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। और अब इसको मिक्स कर देंगे। बस ये इतना सा प्रोसेस है जिसके लिए हम मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है घर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घर में हम शायद फेस वॉश से ज़्यादा हम विम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि घर में चाय बनाने से लेकर खाना बनाने तक हमें सबसे पहले क्या करना है कि जब भी कुछ बनाएंगे तो हमें बर्तन धोने ही धोने हैं। तो उसके लिए, या अगर आप इसे बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने पड़ोसियों को दे सकते हैं, या 10 घर या 100 घर में आप दे सकते हैं, और ये बहुत ही सस्ते दामों पे बनता है। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसमें बनते हैं, कहीं पर आपको 80 रुपये में 5 लीटर मिलेगा, कहीं पे आपको 100 रुपये में मिलेगा, कहीं पे इससे कम भी मिलेगा, लेकिन मैंने जो अभी लिया है वो 100 रुपये में 5 लीटर बनाया है। अब आप इसे देखेंगे, इसकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल मार्केट की तरह है, और बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी का आपको डिश वॉश बन के ये तैयार हो गया है। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको